और बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज शाम को बैतूल से भोपाल आएंगे। 20 मई को पीसीसी में टैलेंट सर्च से बने प्रवक्ताओं की वर्कशॉप का शुभारंभ करेंगे। 21 से 23 मई तक विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज शाम को बैतूल से भोपाल आएंगे। वैभव गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, खबर मिल रही है कि आज जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ है वो बैतूल से भोपाल आएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल रोमिला, अब साल के अंत में जब विधानसभा चुनाव होने हैं और कुछ दिन पहले ही कमलनाथ को कमान मिली है मध्यप्रदेश की, तो बहुत ज्यादा समय उनके पास है नहीं। इस कम समय में उनको कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को एक रखना है और साथ ही जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कई कमेटी गठन करके उनको जनता के बीच में जाना, तो उसको लेकर करीब 3 से 4 दिन कमलनाथ राजधानी भोपाल में रहेंगे और भोपाल से ही वो जो जितने भी नेता है प्रदेश भर के नेताओं से संवाद करेंगे और उनसे कांग्रेस की स्थिति क्या है ग्रामीण स्तरों पर, शहरी स्तरों पर जानने की कोशिश करेंगे। आज शाम को वो बैतूल से भोपाल आ जाएंगे और कल सबसे पहले वो जो प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग की एक वर्कशॉप की शुभारंभ होना है, कल उसमें शिरकत करेंगे और जो नए प्रवक्ता बने हैं कांग्रेस को उनको बताएंगे किस तरह से बीजेपी के जो मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े मुद्दे, उस पर कांग्रेस का पक्ष रखना है। इसके बाद 21, 22, 23 ये तीनों दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है पीसीसी कार्यालय में होनी, इनकी अध्यक्षता करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार पिछले 13 से 14 सालों में कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं हो सकी, इतने जनहित से जुड़े हुए मुद्दे से उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों काम नहीं कर सकते और कांग्रेस के नेताओं में कहां कमियां हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।